जुले एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं और मेरी सिस्टर जा रही है अपने गांव। तो मैंने सोचा इस पर एक छोटा सा ब्लॉग बनाती हूँ टू शो यू कि हम अपने गांव ट्रैवल कैसे करते हैं यहाँ लद्दाख में। तो दोस्तों, एज यू ऑल नो दैट कि आजकल सबके पास अपना अपना पर्सनल गाड़ी होते हैं और जहाँ भी जाते हैं अपने पर्सनल गाड़ी में ट्रैवल करते हैं। लेकिन पहले सब लोग बस में ट्रैवल करते थे। हमारा भी अपना पर्सनल गाड़ी है बट ड्राइवर नहीं है उसको चलाने वाला। मुझे तो ड्राइविंग आती ही नहीं और हमारे घर में तो सिर्फ मेरे पापा और भाई को ड्राइविंग आता है। तो आज हम अपने गांव बस में जाएंगे। मैं और मेरे सिस्टर ऐसे तैसे करके सुबह सुबह इतनी ठंड में बस स्टैंड पहुंच जाते हैं। हम दोनों घर से जल्दी निकल गए थे क्योंकि कभी कभी बस में सीट नहीं मिलते, बस पैक हो जाती है, तो इसलिए हम जल्दी आ गई थी। बट आप सबको बता दूँ कि बस तो बिल्कुल ही खाली था, एक भी पैसेंजर नहीं आया हुआ था। हम दोनों ही फर्स्ट पैसेंजर था तो हमें तो सीट मिल ही गया। और ये है बस जिसमें हम अपने गाँव जाने वाली है, ये येल्लो ब्लू कलर वाली बस। दोस्तों आपको बता दूं कि जल्दी आने का फ़ायदा क्या है, जल्दी आने से आप लोगों को सीट भी अपनी चॉइस का ही मिल जाता है और हमें भी अपनी चॉइस का सीट मिल गया। तो हम दोनों अपने बैग्स रख देते हैं सीट पे। मेरे सिस्टर ने बैग सेकेंड रो पे रख दिया था तो मैंने बोला कि थर्ड रो पे रख देते हैं, अगर हम डोर के पास वाली सीट पे बैठेंगे तो ज़्यादा ठंड लगेंगे, इसलिए बेटर है कि थर्ड रो पे बैठ के जाएंगे। तो हमने डिसाइड किया कि थर्ड रो पे बैठ के जाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास चॉइस बहुत था। तो अपने बैग्स रखने के बाद हम दोनों बाहर जाती है कुछ सामान वामान खरीदने। ऑब्वियसली हम अपने घर जा रहे हैं तो कुछ सामान वामान तो लेके जाना पड़ेगा ना। तो दोस्तों हमारा जर्नी स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से और मेरे सिस्टर बैठ गई खिड़की के पास क्योंकि मुझे बैठना था बट इसने इंसिस्ट किया कि ये बैठ के जाएंगे यहाँ से खलसे तक और एक खलसे से मेरे बारी आएंगे। ओह माय गॉड। तो दोस्तों ऑब्वियसली अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो तो ट्रैवलिंग बहुत बोरिंग हो जाते हैं। तो यहाँ सिटी से मेरे गांव की डिस्टेंस है 150 किलोमीटर, तो बहुत लंबा सफ़र है। और थैंक गॉड यहाँ पे मैं अकेली नहीं हूँ, मैं अपनी सिस्टर के साथ जा रही हूँ। तो हम दोनों कुछ बातें करते जाते हैं, गॉसिप करते जाती है। बट लंबा सफ़र हो तो यू ऑल नो दैट कि कुछ टाइम के बाद तो बात भी ख़त्म हो जाती है। फिर तो कुछ टाइम के बाद तो फिर नींद आने ही लगती है। तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, हमें कुछ टाइम के बाद तो नींद आना शुरू हो ही गया हमारा। तो दोस्तों ये जगह, इसको हम हिमेरल पर बोलते, मुझे ये जगह बहुत डेंजरस लगते हैं। ये जगह आते हैं नीमो से पहले और एज यू कैन सी संगम पॉइंट फ्रॉम हियर। ये है कॉन्फ्लुएंस ऑफ संस्कर एंड इंडस्ट्री रिवर। दोस्तों आप सबको बता दूं कि जब हम बस में ट्रैवल करते हैं तो हमारा एक पॉइंट पे ट्री ब्रेक होता है और दूसरे जगह पे लंच ब्रेक। तो अभी हम नीमो पहुंचने वाले हैं और यहाँ पे हमारा होगा ट्री ब्रेक। और अगर हीमो पहुंच के और हीमो का समोसा ना खाए तो ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते। हीमो का समोसा इज़ वेरी फेमस इन लद्दाख। तो यहाँ पे भी मैं चाय के साथ समोसा खाती हूँ विच इज़ वेरी टेस्टी। तो दोस्तों आपको बता दूँ कि जिस बस में हम ट्रैवल कर रहे हैं ना, उस बस में ड्राइवर ने एक बार भी म्यूज़िक नहीं चलाया। तो म्यूज़िक के बिना ट्रैवलिंग तो बिल्कुल बोरिंग ही है। तो मेरे सिस्टर यहाँ पे गाना सुनते हैं और मैं तो सो ही जाती हूँ, मुझे बिल्कुल बहुत नींद आ गई थी। और मेरी ये सोने का वीडियो मेरे सिस्टर ने बनाया, ओह माय गॉड, ऐसे सो गई थी मैं, मुझे पता ही नहीं चला कि खलसेर कब पहुँच गई। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एक पॉइंट पे टी ब्रेक होता है और दूसरे पॉइंट पे लंच ब्रेक, और हमारा लंच ब्रेक होता है यहाँ पे खलसे में। तो खलसे में हम अपने लंच के लिए उतर जाती है और हम सीधा चली जाती है होटल में क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। और यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था दो प्लेट्स मोमो, और मोमोज के पहले हमें दिया गया गर्म गर्म सूप और हमने जल्दी जल्दी सूप पिया। तब तक हमारा मोमोज भी आ जाते हैं और हम
इंजॉय करते हैं मोमोज के साथ गर्म गर्म सूप। अब आ गई मेरी बारी खिड़की के पास बैठने का, तो मैं बैठ गई खिड़की के पास और आई एम एंजॉयिंग द व्यूज। तो दोस्तों आप सबको बता दूं कि खलसे के बाद तो जितने भी गांव आए ना सब अपने ही गांव लगने लगते हैं। ये है हमारा तकमाचिक और तकमाचिक के रिवर की उस साइड ये है धोमखर। मैं तो खिड़की के पास बैठ गई थी तो मुझे तो इतना नींद नहीं आ रही, बट मेरे सिस्टर को तो बहुत नींद आ रही है और ये इतनी साउंडली सो रही थी। तो दोस्तों ये है स्क्यूपिजन गांव और आप सबको बता दूं कि इस गांव को देख के मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि यार हमारा लद्दाख तो समर में तो इतना ब्यूटीफुल दिखती है, विंटर में भी इतना खूबसूरत लगती है। ओ माय गॉड क्या ही बताऊं आपको। तो पहले पहले जब हम बस में ट्रैवल करते तो यहाँ पे टीवी लगाया करते था, अभी तो ना टीवी तो छोड़ो म्यूज़िक भी नहीं चलाया ड्राइवर ने तो चलो छोड़ो कोई नहीं। ये है हमारा इंडस रिवर और आपको बता दूं कि समर में इंडस रिवर का कलर कुछ और होता है, बट विंटर का ये ब्लू कलर आई रियली लाइक इट। और फाइनली हम पहुंच जाती है अचिनाथंग गांव और ये हम बोल सकते हैं मेरे गांव के पड़ोसी गांव है। अब इस गांव में पहुंच गए तो हम ऑब्वियसली मेरे गांव भी जल्दी पहुंचने वाली है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। अब मैं अपने गांव पहुंचने वाली हूँ और मेरी मम्मी वेट कर रही होगी। तो दोस्तों आप लोग दूर से देख सकते हो ये है मेरा गांव हनथंग और फाइनली हम पहुंच गई। हमारा मम्मी आई थी नीचे हमें लेने और हम 6-7 घंटे ट्रैवल करके पहुंच जाते हैं अपने गांव 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सिटी ऑफ ले। और मैं अपनी मम्मी से मिल के इतनी खुश थी ना कि नो वर्ड। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माय जर्नी, थैंक्स फॉर वॉचिंग और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो। जय झूले, बाय बाय।